हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं गुरुकुल फीचर मेकर और मेरा नाम है अक्षय कुमार शर्मा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके साथ जुड़ा हूं इंडियन पॉलिटी के सफ़र में, ठीक। और हमारी 5 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है, जिसमें आपको मैं पढ़ा रहा हूँ भारतीय राजव्यवस्था का पहला टॉपिक, भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। देखिए, जो प्रीवियस में हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता दूँ कि जो भारत के संवैधानिक विकास में है, वो हमें 200 ईयर्स का वो शासन पढ़ना होता है जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर किया था, जिसमें एक था कंपनी का शासन, ठीक है, और एक था ताज का शासन, यानी कि ब्रिटिश क्राउन का शासन। ये 1757 से लेकर 1857 तक, और ये 1858 से लेकर 1947, ठीक है। इसको लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और बीच में एक घटना हुई थी, ठीक है, जिसको हम जानते हैं 1857 की क्रांति। वैसे तो वो एक इतिहास का मुद्दा है, इतिहास में उस पर अब विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर मैंने उसके बारे में काफ़ी पॉइंट, लेकिन इतने पॉइंट्स आपको करा दिए हैं कि आप आराम से अच्छी पोस्ट के लिए, उससे क्वेश्चन नहीं बचने वाले, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बस समझाइए, ठीक है, उसकी सारी कंटेंट, ठीक है, वो मैंने आपको दे दिया है, क्वेश्चन आपका नहीं बचा गया, इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ठीक है, तब हम इसको पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सारी बातें समझाई थी, किसकी भाई, 1857 की क्रांति की, ठीक है। अब कुछ पॉइंट और रह गए थे, उनको नोट करा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, जिससे कि दो चार क्वेश्चन आए तो पढ़ा है तो थोड़ा बहुत उसकी नॉलेज हो आपको, ठीक है। तो कुछ पॉइंट और हैं, उनको हम नोट करेंगे, ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु कुछ, ठीक है, 1857 क्रांति के महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक। जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है, वो क्रांति अगर आपसे ये पूछ जाए ना, प्रथम भारतीय सैनिक विद्रोह कब हुआ, प्रथम भारतीय सैनिक विद्रोह, तो वो यहाँ पर 1857 टिक मत कर देना, ठीक है, वो हुआ था 10 जुलाई, 10 जुलाई 1806, और कहाँ पे हुआ था, बेल्लोर। ये बेल्लोर कहाँ पे पड़ता है अभी, तो ध्यान रहेंगे तमिलनाडु, ठीक है, बेलूर नहीं है, एक बेलूर है भाई, ठीक है, जो कहाँ पर पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, जहाँ से 1897 में स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है, आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, वो बेलूर मठ अलग है, वहाँ पर भी मोदी जी गए थे, आपने न्यूज़ देखी होगी, 12 जनवरी को जयंती मनाई जाती है स्वामी विवेकानंद की, ठीक है, लेकिन वो बेलूर है, ये बेल्लोर है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 1857 ईस्वी का प्रथम सैनिक विद्रोह, ठीक है, तो ये सैनिक विद्रोह हुआ है कहाँ से भाई, ये 29 मार्च मैंने लिखाया था आपको, 29 मार्च 1857, और ये कहाँ से भाई, बैरकपुर, और ये कहाँ पे पड़ता है भाई, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और यहाँ पर नाम क्या था भाई, आपको बताते हैं, मंगल पांडे, ठीक है। और आपको एक पॉइंट बता दूं, अगर ये जो प्रथम सैनिक विद्रोह हुआ था बेल्लोर में, ये कुछ टोपी पर चमड़ा लगाया गया था, जिस चमड़े में भी इस्तेमाल हुआ था सुअर और गाय की चर्बी का, तो उस टोपी को लेकर विद्रोह किया गया था। और कुछ बातें पॉइंट और थे, लेकिन ये वाला जो था, इसके बारे में मैंने कल बताया था कि एक बंदूक आई थी इनफील्ड राइफल, ठीक है, ये क्यों हुआ था विद्रोह, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हुआ था इनफील्ड राइफल, ठीक है, इनफील्ड राइफल, जो दिसंबर 1856 में कंपनी ने इसको एंटर किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, किस कब, दिसंबर 1856 में, तो इस बंदूक की गोली के चक्कर में क्या हुआ था भाई, विद्रोह शुरुआत हुई थी सैनिक विद्रोह की, ठीक है। उसके बाद में कई कारण रहे, वो आपको मैंने बताए थे सारी बातें, ठीक। और जो ये ऊपर बेल्लोर वाला है, बेल्लोर वाला, ठीक है, इसके बारे में एक जानकारी और नोट कर लें, इसके संदर्भ में एक पोयम लिखी हुई है, एक कविता लिखी हुई है, जिसका नाम है गिलेस्पी, ये ध्यान रखेंगे, गिलेस्पी जो कविता है, जिसके लेखक हैं सर हेनरी न्यूवोल्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है भाई, हेनरी न्यूवोल्ट। तो ये गिलेस्पी कविता कौन से वाले विद्रोह को रिप्रेजेंट करती है, या किसके संदर्भ में, प्रथम भारतीय सैनिक विद्रोह 1806 में, ठीक है। अब कुछ मैं आपको बुक्स क्या कहते हैं, बुक्स के नाम लिखाता हूँ, ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पुस्तक है, उनके राइटर लिखेंगे जो 1857 क्रांति से संबंधित थी, ठीक है, इधर पुस्तक और इधर लिखेंगे हम लेखक, ठीक है।
तो वो चार पुस्तकें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ही मैं नोट करा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं देखो भाई, एक है भाई 1857, यानी कि बुक का ही नाम क्या है 1857। ये है भाई एस एन सेन, सुरेंद्र नाथ सेन, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है। और इन्हीं को एक क्वेश्चन पूछा गया है कि, और यूपीपीएससी में पूछा गया है कि जो पीसीएस प्रीलिम्स होता है, कि बताइए सरकारी 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार किसको कहा जाता है। तो सरकारी इतिहासकार एस एन सेन को कहा जाता है भाई, सरकारी इतिहासकार, ठीक है, ये बात नोट करेंगे। सेकंड बुक है भाई, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किताब का नाम ही ऐसी है, ठीक है। तो ये ना सोचे कि इंग्लिश ये ऐसे ही पूछा जाएगा। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके राइटर है विनायक दामोदर सावरकर, या बी डी सावरकर बोला जाता है, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर, ये इसके राइटर हैं, ठीक है। और आपकी थर्ड बुक है, थर्ड बुक है भाई द सिपॉय मूटनी, एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। ये पुस्तक का नाम है द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके राइटर हैं रमेश चंद्र मजूमदार, ये फेमस नेम है सब, ठीक है, रमेश चंद्र मजूमदार, ठीक है। और जो लास्ट बुक है, ठीक है, मैंने ये आपको बताया था लास्ट, जो चौथी वाली लिखवा रहा हूँ, ये पूछी गई है अभी, पिछला जो पीसीएस हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और वो था, वो पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इस पुस्तक के राइटर हैं दादा भाई नेहरू जी। तो ये ध्यान रहेंगे चार बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बुक्स में लिखा रहा हूँ, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स हैं ये, ठीक है। एक बार बोलता रहा हूँ, लास्ट वाली आप देख लें, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नेहरू जी इसके राइटर हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बुद्धू, अब हम चर्चा करेंगे। आपको मैंने बताया था कि 1857 क्रांति पर जगह जगह विद्रोह हुए, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस स्थान से इस क्रांति को लीड करने वाले कौन थे, ठीक है। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं और स्थान है जहाँ से उन क्रांति को उनके द्वारा लीड किया गया, ठीक है। तो उसको हम लोग आज नोट कर लेंगे, ठीक है। इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं सारी जानकारी को, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो वो देखेंगे, एक तरफ मैं लिखा देता हूं स्थान, एक तरफ स्थान और एक तरफ क्रांति के नायक, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभी दिल्ली। मैंने सभी को बताया दिल्ली से रिप्रेजेंट किसने किया था भाई, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह सेकंड, या फिर इनको ही क्या बोला जाता है जफर। अगर पूछा जाए 1857 की क्रांति के लीडर कौन थे, तो यही थे, अगर होल क्रांति के लीडर की बात करी जाए, ठीक है। तो होल क्रांति के लीडर भी कौन कहे जाते हैं, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड, ठीक है। सेकंड पर नाम ध्यान रहेंगे आप, मेरठ, मेरठ में देखो जो लीड करने वाले थे, एक तो कदम सिंह और एक नाम आता है धर्म सिंह, वैसे तो सैनिक विद्रोह था, ठीक है, लेकिन उनमें भी कुछ इम्पोर्टेंट है, धर्म सिंह गुर्जर, ठीक है, और कदम सिंह, ठीक है, ये दो लोग थे। एक स्थान आता है आपका अंबाला, यहाँ से क्रांति को रिप्रेजेंट कर रहे थे राव तुलाराम। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन मैं वो लेकर आऊँ जो इम्पोर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, रिपीटेड किए गए हैं, ठीक है भाई। फोर्थ भाई मथुरा, यूपी के ज़्यादा हैं इसमें, ठीक है, यूपी के बच्चों के लिए ज़्यादा, मथुरा।
मथुरा से देवी सिंह, ठीक। एक है आपके कानपुर नाना साहेब, ठीक है, ये मराठा मराठा साम्राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इस बात है मराठा हो गए। बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्री कौन हुए? नाना साहेब। और इनको ही कहा जाता है धोंदू पंत, धोंदू पंत, ठीक है, धोंदू पंत। और यहां से इनके साथ ही दिया था किसने भी, तात्या टोपे, ठीक। इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है, निकनेम उनके नाम है, ठीक है। तो ये लोग कानपुर से थे। और इसके बाद में इसको पॉज करके आप नोट कर लें, ठीक है। एक है आपका झांसी, सभी जानते हैं, शायद ही कोई होगा जो झांसी के बारे में नहीं जानता हो, ठीक है। झांसी से इस क्रांति को आगे बढ़ाया था रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। और आपको बता दें रानी लक्ष्मीबाई जहाँ से नहीं थी, इनको जो सामने आया था वो एक अंग्रेज था कैप्टन ह्यूरोज, ठीक। और क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसने ही रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहा था, ये 1857 की क्रांति की एकमात्र मर्द, ठीक है, मर्द कहा था किसको भाई, रानी लक्ष्मीबाई को, किसने, कैप्टन ह्यूरोज ने, ठीक। तो ये ठीक है। और आप नेक्स्ट देखेंगे भाई, एक है आपका इलाहाबाद से क्रांति रिप्रेजेंट कर रहे थे मौलाना लियाकत अली, ठीक है। एक है आपका लखनऊ, ठीक है, लखनऊ से आप सभी जानते हैं बेगम हजरत महल, ठीक। आप जब लखनऊ जाएंगे तो लखनऊ में एक प्राणी उद्यान है वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, ठीक है। तो वाजिद अली शाह इनके क्या थे भाई, हस्बैंड थे, ठीक है। अवध जो प्रांत पढ़ाया था मैं, उसके नवाब कौन हुए थे, वाजिद अली शाह, ठीक है। तो वाजिद अली शाह की वाइफ ही कौन हुई भाई, बेगम हजरत महल, ठीक है। तो इनके हस्बैंड पर कुशासन का आरोप लगाया, मैंने बताया था, और छीन लिया था क्या भाई, डलहौजी ने अवध को, ठीक। तो उसी के चलते बेगम हजरत महल ने क्रांति को लीड किया कहाँ से भाई, लखनऊ से, ठीक है। एक नोट करेंगे आप, फैज़ाबाद, ये कई बार पूछा गया भाई, फैज़ाबाद से ध्यान रहेंगे मौलवी अब्दुल्ला, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है। एक ध्यान रखें गोरखपुर, सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है भाई, गोरखपुर में, ठीक है। गोरखपुर से थे गजोधर सिंह, ठीक। एक आप नोट करेंगे, बहुत बार पूछा गया, बिहार से जगदीशपुर, बिहार में एक स्थान है जगदीशपुर, ठीक है, बिहार में, ये सब यूपी के थे, और इसको लीड कर रहे थे कुंवर सिंह, ठीक है। एक और नोट करेंगे भाई, बरेली से इसको लीड कर रहे थे खान बहादुर, ठीक है। तो ये वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे जहाँ से क्रांति को मतलब बहुत ज़्यादा तूल दिया गया और वहाँ के ये लीडर रहे। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सुमेलित करने को बहुत आते हैं, ठीक है, कौन कहाँ से कैसे है, ठीक है, इसको सुमेलित करने के लिए बहुत बार पूछा जाता है, ठीक। तो अब ये जो सारे पॉइंट थे इनको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। वैसे ही एक इतिहास का मुद्दा था, इतिहास का टॉपिक था, लेकिन क्या ट्विस्ट आया कहानी में, इसलिए मैंने आपको बीच में सारी बातें बता दी, ठीक है। लेकिन अब हम सीधे चलते हैं कहाँ पर भाई, ताज का शासन, ठीक। तो ये कंपनी का शासन, उसके बाद क्रांति हुई, किस प्रकार से लोगों में क्या क्या कारण रहे, वो सारी बात आपको बता दी गई, ठीक है।
सारे मूल बिंदु मैंने आपको करा दिए। अब उससे क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा दिया, ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग समय पर ये क्रांतियाँ हुई, ठीक है, तो इसको आंदोलन को दबा दिया गया, ठीक है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन इसी को कहा जाता है, ठीक है, तो इसको दबा दिया गया। उसके बाद सीधे सीधे शासन किसने अपने हाथ में ले लिया, ब्रिटेन गवर्नमेंट यानी कि महारानी विक्टोरिया, ठीक है, उन्होंने अपने हाथ में शासन ले लिया और कंपनी को इनसाइड साइड में कर दिया गया, ठीक है। अब जो शासन चलेगा इस क्रांति के बाद वो किसका चलेगा, ताज का शासन, ठीक है, तो अब हमको ये पढ़ना है ताज का शासन, ठीक है। आशा करता हूँ सारी बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है भाई, सुक्रियंस आपको अच्छी प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम टॉपिक पढ़ेंगे इसका, ताज का शासन या ब्रिटिश क्राउन का शासन, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का 1858 से 1947 तक, ठीक। अब क्या होगा, अब सीधे सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन करेगी कंपनी को, अब बीच में मुद्दा नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। एक पर्दा था एक तरीके का कंपनी नाम का, ठीक है, उस पर्दे के पीछे कौन थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, सारे काम किससे करवा रही थी, कंपनी, सारा प्रशासनिक व्यवस्था किससे चला रही थी, कंपनी के थ्रू। लेकिन इस क्रांति के बाद उस पर्दे को हटा दिया गया, जला दिया गया, साइड में कर दिया गया, ठीक है। अब सीधा सीधा शासन कौन करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। आप समझ पा रहे होगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, कि पहले क्या था, पहले ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, और वो कंपनी वाया कंपनी प्रशासन चला रही थी, किस पर भाई, भारत पर। लेकिन इस क्रांति के बाद क्या हुआ, ये चीज़ ये व्यवस्था हो गई, ठीक, आई बात समझ में सभी के, ठीक है। तो अब सीधे सीधे एक्ट आएंगे और एक प्रकार से शासन, अब एक कंपनी के थ्रू राज लेके या चार्टर एक्ट नहीं, अब सीधे सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना रूल करेगी, किस पर भाई, भारत पर। तो सबसे पहले रूल करने के लिए, ठीक है, व्यवस्था करने के लिए नियम कायदे अधिनियम की आवश्यकता होती है। तो इसके चलते ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाकर भेजा, जिसको हम पढ़ते हैं किस नाम से भाई, पहला इन्होंने एक्ट बनाकर भेजा जिसको हम पढ़ते हैं 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या किया इस एक्ट के में, वो बातें हमें समझनी है यहां पर, ठीक है, वो सारी बातें हमको समझनी है क्या क्या इन्होंने किया। तो देखिए क्या किया सबसे पहले इन्होंने, ठीक, भारत में अब तक क्या हुआ करता था, गवर्नर जनरल, ठीक है, पहला पॉइंट क्या करा इन्होंने, इसका नाम बदल दिया और इसको क्या कहने लगे, वायसराय, यानी कि इस एक्ट के तहत पहला पॉइंट क्या किया गया, भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, वायसराय, ठीक है, भारत का हेड बना दिया गया, ठीक। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा चालाक थी, वो जानती थी क्या पता ये वायस ये गवर्नर जो कंपनी का हेड हुआ करता था भारत में, ठीक है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का हेड होगा, लेकिन अगर कल को इसने कुछ ऐसे काम करने शुरू कर दिए, ठीक है, कि अपना वर्चस्व हासिल कर लिया, इसने भारत को स्वतंत्र हमसे ही लड़ने बैठा, भारत की पावर भारत के अंदर रूल बनाकर शासन सेना बनाकर हम पे अटैक ना करते, ठीक है, फिर अपने आप को अलग, तो इस पर नकेल कसने के लिए उन्होंने एक पद की शुरुआत की इससे ऊपर, और वो पद क्या था भाई, भारत सचिव। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि एक भारत सचिव पद की शुरुआत किस एक्ट के तहत की गई है, तो 1858। अब क्या थी ये पोस्ट, ठीक है, ये पोस्ट क्या काम करती, ये पोस्ट ये काम करती जो ब्रिटिश संसद थी, जो ब्रिटिश में संसद थी, ठीक है, जैसे अपने आज संसद ना लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से मिलाकर बनती है पार्लियामेंट, ठीक है, तो वहां भी ब्रिटिश संसद थी। तो अब क्या होता है, ब्रिटिश जो संसद होती है उसमें गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर उसके मतलब सपोर्ट करने के लिए मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, इनको हम कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं, ठीक है, जैसे नरेंद्र मोदी, ठीक है, और नरेंद्र मोदी के साथ कौन है, अमित शाह। अब सपोज दैट हो क्या जाए, यदि हम बांग्लादेश पर अधिकार कर लिया था, ठीक है, या बांग्लादेश पर अधिकार कर लिया मानो, ठीक है, उसको हरा दिया युद्ध में, या पाकिस्तान पर अधिकार कर लिया, अधिपत्य जमा लिया अपना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हमने एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया, हम व्यवस्था देखने के लिए अपना एक, ठीक है, गवर्नर नियुक्त कर दिया, लेकिन वहाँ पर गवर्नर कहीं अपनी चलाकर फिर से उसको अपना अलग ना कर लिया, तो इसके लिए हमने एक बीच का आदमी निकाला नरेंद्र मोदी जी ने, वो कौन, अमित शाह, कि आप क्या करेंगे, आप मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं आप भारत के, ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे, आपको पाकिस्तान का डिपार्टमेंट दिया जाएगा, आप सारी व्यवस्था पाकिस्तान की देखेंगे, और पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये सारी बातें कहां पर बताएंगे, आकर संसद में, ठीक है। तो इन्होंने भी जो भारत सचिव बनाया, ये ब्रिटिश संसद का क्या था, ये कैबिनेट मिनिस्टर था, कौन था, कैबिनेट मंत्री, ठीक है, ये कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था,
ठीक है, और ये भारत सचिव हो गया। तो ये भारत की सारी जानकारी कहाँ पर प्रेजेंट करेगा? ब्रिटिश संसद में। ये किसके प्रति उत्तरदायी होगा? ब्रिटिश संसद के। भारत में क्या व्यवस्था है, ठीक है, और इसको सुपीरियर शक्ति दी गई, यानी कि इसकी पोस्ट गवर्नर जनरल से भी क्या थी, ऊपर थी। गवर्नर जनरल को भी कमान कर सकता था, ठीक है भाई। और ये क्या था, एक कैबिनेट मिनिस्टर था। किसके प्रति, कहाँ का सदस्य था? ब्रिटिश संसद का। सारी बात समझ में आ रही है। तो एक नई पोस्ट बना दी गई, लेकिन ये भी अपने चलाए, तो इसके लिए 15 सदस्य एक समिति का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी जो इसको सलाह करती थी, ठीक है, एडवाइस देती थी इसको, ठीक है, वो भी इसी एक्ट के तहत व्यवस्था की, ठीक है। और सीधा सीधा शासन हो गया किसका भाई, ब्रिटिश क्राउन का। पहला काम तो ये, बात समझ में आई आपके, कि गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय, एक नई पोस्ट भारत सचिव, जो ब्रिटिश संसद का मिनिस्टर हुआ करता था। भारत की सारी बातें ब्रिटिश संसद में पेश कौन करेगा? भारत सचिव पेश करेगा। 15 सदस्य उसके साथ की दिए काम करने के लिए, सहायता करने के लिए, सलाह देने के लिए। क्लियर होगी बातें। पहला काम तो ये हुआ। सेकंड काम क्या हुआ अभी इस एक्ट के तहत, मैं भी लिखाऊंगा, पहले आप समझ लें सारी बातें, ठीक है। सेकंड काम ये हुआ इसके मैं, ठीक है, कि जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें क्या हुआ, द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, द्वैध शासन कंपनी में। और द्वैध शासन कैसे, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है, और एक क्या था, एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। ये द्वैध शासन चलाया गया था, ये राजनीतिक मामले देखता था, ये व्यापारिक मामले देखता था। तो इस वाले द्वैध शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त। आपसे पूछा जाएगा, भारत में प्रचलित नियंत्रक बोर्ड और निदेशक मॉडल, निदेशक मंडल पर जो एक द्वैध शासन चल रहा था कंपनी के थ्रू, उस द्वैध शासन को किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो वो आपका 1858 ईस्वी का एक्ट है, जिसके तहत इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और आपको बताएं, ये सारी व्यवस्था करने के बाद इन्होंने क्या किया, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र आया, ठीक है, और उस घोषणा पत्र के तहत, उस घोषणा पत्र जो 1858 ईस्वी में आया, इसके तहत घोषणा कर दी गई कि अब भारत के सभी लोगों पर सीधा कंट्रोल है किसका भी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। जिस प्रकार से जनता मेरे लिए, ये महारानी विक्टोरिया ने ही जारी करवाया था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने इसको पढ़ा था, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ था कि भारत की जनता, जिस प्रकार से मेरी ब्रिटिश जनता, उसी प्रकार से क्या है, मेरी भारत की जनता है, ठीक है। और इस पर अब सीधे सीधे शासन किसका है भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है। आपकी सारी व्यवस्थाएँ अब कौन देखेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये घोषणा पत्र के तहत सारी बातें जाहिर कर दी गई। तो ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो इस एक्ट के तहत किए गए। अब इनको नोट करते हैं, ठीक है, इन सबको मैं आपको लिखा देता हूँ और बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके तहत, इस एक्ट के तहत, इसके तहत भारत विक्टोरिया का विक्टोरिया के शासन की शुरुआत, ठीक है, जो भी इनडायरेक्टली था कंपनी के थ्रू, ठीक है, और इसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को, भारत का वायसराय कहा जाने लगा, ठीक है। और आपको बता दें, अगर यहाँ क्वेश्चन एक बच गया, मैंने लास्ट टाइम सब लिखा दिए थे आपको कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, वो भी वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। इसके बाद भारत की बात आ गई थी, भारत जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था वो था विलियम वेंटिंग, और फिर भारत का बना था, भारत का प्रथम भी कौन था, विलियम वेंटिंग, ठीक है। ये पॉइंट लिखाए थे, लेकिन अभी यहाँ वायसराय का केस बन गया। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए, एक तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, क्योंकि नई इसका नाम बदल के नाम बदला जा रहा है, और ये पूछा जाए भारत का प्रथम वायसराय, तो दोनों कौन होगा भाई, लॉर्ड कैनिंग।
ठीक है, क्योंकि आपको बता दूं 1856 से लेकर 1862 तक का टाइम पीरियड किसका, लॉर्ड कैनिंग का। ठीक है, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी यही होंगे और भारत के प्रथम वायसराय भी कौन होंगे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इनको ही बनाया गया। दूसरा काम क्या किया गया भाई, इसके तहत निदेशक मंडल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक बोर्ड को समाप्त कर द्वैध शासन की समाप्ति की गई। ठीक है, तो ये सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है किसके भाई, 1858 ईस्वी के एक्ट के। ठीक है, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो सारी बातें समझ में आ रही होंगी, कैसे कंपनी आई, क्या क्या हुआ, ठीक है, कहाँ कहाँ नहीं बदली, फिर सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या क्या किया आकर के। ठीक है, पहला एक्ट कौन सा लेके आया, 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसके तहत इन्होंने क्या क्या काम किए। ठीक है, और आप एक पॉइंट कहेंगे एक नए पद, ठीक है, इसके तहत एक नए पद भारत सचिव की शुरुआत हुई। ठीक है, भारत सचिव की शुरुआत हुई और ये ब्रिटिश संसद का सदस्य था। ठीक है, तथा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, यानी कि इससे जवाब तलब करने का हक किसको था भाई, ब्रिटिश संसद को। ठीक है, ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, और सारी संपूर्ण शक्ति, सैन्य शक्तियाँ उस सब किस में नियुक्त थी भाई, भारत सचिव में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम भारत सचिव, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रथम भारत सचिव थे एडवर्ड स्टेनली, ध्यान रखेंगे भाई, एडवर्ड स्टेनली। और प्रथम वायसराय कौन है भाई, दो पोस्ट नहीं याद की गई है, वायसराय कौन है भाई, वायसराय है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे अच्छी प्रकार से। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अब आपको एक काम करना है। ठीक है, वो काम क्या है वो आपको बता रहा हूँ नोट करके, कि आज आज एक हम टारगेट एक नया, ठीक है, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से सुने, जो मेरी क्लास वन है, ठीक है, क्लास वन है पॉलिटी की, वो 30 से 35 मिनट की क्लास है। ठीक है, आपको फास्टेस्ट मोड पे इस क्लास को देखना है आज, मुश्किल से आपके 15 से 20 मिनट खर्च होंगे। ठीक है, आप स्पीड बढ़ा के देखोगे, पूरा भी देखोगे तो 30 से 35 मिनट। ठीक है, तो आप आज आपको ये क्लास देखनी है मेरी, ठीक है, क्लास वन 15 से 20 मिनट। ठीक है, और जो बच्चे देखेंगे वो इसके नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है, इसके नीचे कमेंट करेंगे तो मैं देखूंगा आज कितने बच्चे मेरी क्लास, इस क्लास वन को देखते हैं। ठीक है, डेली की मैं एक क्लास रिवाइज कराऊंगा आपकी, कल क्लास टू का नंबर है, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं बकायदा उनको मैं कमेंट करके या उनके बारे में यहाँ वीडियो में चर्चा करूंगा, जिन जिन बच्चों ने उस क्लास को देखा है। ठीक है, अगली वीडियो में उनका नाम बोलूंगा, ठीक है, जो मुझे कमेंट करेंगे और आज क्लास वन को देखेंगे। ठीक है, और ऐसे ही मैं डेली एक एक क्लास रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, और क्लास देखने के बाद वो अपनी कमेंट कर दें कि हमने क्लास देखी है। ठीक है, उन बच्चों का नाम मैं अगली वीडियो में बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि जरूरी है हम रिवाइज करते रहें सारी बातें, मैं पढ़ाता रहूंगा आप नोट करते रहोगे, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सारी बातें दिमाग से निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो आज हमने 1857 क्रांति को समझा, ठीक है, उसके महत्वपूर्ण तथ्य बिंदु समझे, और पहला एक्ट 1858 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है, इसके तहत क्या क्या बातें हुई सारी आपको समझा दी गई हैं। ठीक है, और आपको एक टारगेट दिया गया, वो टारगेट क्या है, क्लास वन। आज आप प्रत्येक बच्चा क्लास वन देखेंगे, चाहे आपने अगर नोट्स बना लिए हैं, उसको पढ़ लिया है, तो रिवाइज करिए 15 मिनट में, सिर्फ 15 मिनट मांग रहा हूँ मैं आपसे, 24 घंटे में से 15 मिनट आपको रिवाइज करना है। ठीक है, और जो बच्चे इसको देखें रिवाइज करेंगे वो कमेंट्स करेंगे मुझे नीचे यस लिख करके, ठीक है, यस आई रिवाइज। ठीक है, तो उनका मैं नाम बोलूंगा अगली वीडियो में, जिन जिन बच्चों ने रिवाइज किया है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें। ठीक है, और यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो
तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।